उत्सव नगरी कोसीकला में 22 जनवरी को होने वाले भव्य शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। आप देख सकते हैं कि जो इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है उसमें 1100 कलश महिला द्वारा निकाले जाएंगे। इस कलशों में तैयार किए गए जा रहे छोटे छोटे राम भक्त आप देख रहे हैं जो उनके मन में कहीं ना कहीं भगवान के प्रति आस्था है। सभी कलशों पर भगवान राम के स्टिकर लगाए जा रहे हैं जो कि कलश यात्रा की जिम्मेदारी छोड़ी गई है। पूर्व रामलीला संस्थान कुशीकला के अध्यक्ष एवं समाज सेवी अजय ठाकुर और सभी राम भक्त द्वारा इस शोभा यात्रा में चार चंद लगाने का कार्य किया जा रहा। इनका कहना है कि 1100 कलश निकलेंगे, अगर प्रभु राम की कृपा हुई तो उनकी संख्या अधिक हो सकती है। आप जैसे कि पूर्व अध्यक्ष रामलीला संस्थान के हैं और आप हर संस्था में अपना योगदान भरपूर कर देते हैं, अब जो आयोजन है 22 तारीख का उसके लिए क्या तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? 22 जनवरी को राम जन्म प्रतिष्ठा हो रही है जो कि लगभग 550 वर्षों से एक संघर्ष चला आ रहा है। भगवान प्रभु रामलला झोंपड़ी से निकल करके अपने महल में विराजमान होंगे, उस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में एक हर्ष का माहौल है। उसी श्रृंखला में कोसीकला में जो भगवान कृष्ण की नगरी कोसस्थ लिए वह भी राम में होने जा रही है। कोसीकला में 22 तारीख को एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें अभी 1100 कलश हैं, ये 2100 तक पहुंच सकते हैं। लगभग 30 झांकियां हैं, 4 से 5 अखाड़े हैं और गांवों लगभग 50 गांवों का इसमें प्रतिनिधित्व होने वाला है जिसमें नगाड़े, चौपाई, भजन संध्या, दीपदान, लाइटिंग ये सब होने जा रहा है जिसमें हमारे आसपास के प्रमुख संत भी भाग ले रहे हैं और ये शोभा यात्रा बड़ी भव्य होने वाली है और एक ऐतिहासिक होने वाली है।